दखल से इनकार है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों की याचिका को खारिज कर दिया है। प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजों ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 169 सूटेबल कॉलेजों की दोबारा जांच के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके बाद यह बड़ा फैसला आया है। और रामरवाड़ा उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। बीजेपी तैयारियां कर रही है। बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी और सहप्रभारी मंत्री संपत्तिया उइके होंगी अमरवाड़ा उपचुनाव की प्रभारी। बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल होंगे सहप्रभारी। अमरवाड़ा में उपचुनाव होना है और अब उपचुनाव को लेकर के तैयारियों में दोनों ही पार्टियां जुट चुकी हैं। बीजेपी भी अब जो है उपचुनाव की पूरी तैयारियों में जुट चुकी है। प्रभारी नियुक्त किए गए हैं संपत्तिया उइके उपचुनाव की प्रभारी होंगी और ये सभी ध्यान देंगी और सह प्रभारी हेमंत खंडेलवाल रहेंगे। उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के अब तैयारियों में जुट चुकी है बीजेपी और कांग्रेस भी। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है, साथ ही साथ अब जो है प्रभारी और सह प्रभारी भी बनाए गए। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव की तैयारियां जो है तेज हो चुकी है। बीजेपी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अब प्रभारी और सहप्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, उपचुनाव की तैयारियां तेज अमरवाड़ा में, वहीं प्रभारी सह प्रभारी की नियुक्ति भी बीजेपी के द्वारा कर दी गई है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अमरवाड़ा में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी है। और देखिए, सबसे पहले वहां पर जो पहले प्रत्याशी घोषित किए गए और उसके बाद अब प्रभारी और सह प्रभारी भी घोषित कर दिए गए। संपत्तिया उइके जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनको लोक विधानसभा के लिए प्रभारी बनाया गया। इसके साथ ही पड़ोसी जिले बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी एक एक चुनाव को बड़ी बारीकी से लेती है और यही कारण है कि पूरी संगठन जो है वो अब उसका पूरा फोकस जो है वो अमरवाड़ा हो चला है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा पर जिस तरीके से बीजेपी संगठन ने फोकस किया और लोकसभा में वहां जीतने का काम किया, और ये विधानसभा की मैं बात करूं तो पिछले विधानसभा चुनाव में भले ही मध्य प्रदेश बीजेपी को पूरे प्रदेश में जीत मिली हो, लेकिन छिंदवाड़ा की 7 में 7 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में अब लोकसभा में मिली जीत से उत्साहित बीजेपी इस बार अमरवाड़ा को भी जीतने के लिए जी जान लगा रही है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। रायसेन के सेहतगंज में शराब फैक्ट्री पर छापा मारा गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का यह छापा है। शराब फैक्ट्री में बच्चों से यहां पर मजदूरी कराई जा रही थी। शराब फैक्ट्री में मजदूरी करते 59 बच्चे मिले हैं। प्रियंक कारुंगो की मौजूदगी में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बच्चों से मजदूरी कराई जा रही थी और यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 59 बच्चे यहां पर मजदूरी कर रहे थे और अब यहां पर कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें आपको, प्रियंक कानूनगो की मौजूदगी में ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शराब फैक्ट्री यहां पर दरअसल संचालित हो रही थी और इसी में जो है बच्चे काम कर रहे थे, मजदूरी करते 59 बच्चे मिले। फिलहाल अब कार्रवाई जारी रहेगी। भिंड से मजदूरी घोटाले का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां मजदूर मजदूरी करने नहीं गए लेकिन उनके नाम की मजदूरी निकाल ली गई। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो मजदूर हैरान रह गए। मामले की जानकारी मजदूरों को लगी तो वो भी हैरानी में पड़ गए। पूरा मामला भिंड जिले की गोहद विधानसभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पिपहाड़ी का है। फर्जीवाड़े के आरोप ग्राम पंचायत के सचिव पर लग रहे हैं। थी 17 तारीख को गर्भवती, लेकिन गोद नहीं हुई थी। क्या ज्यादा पैसा निकाल रही थी? मजदूरी गई थी आपने? नहीं। कहाँ नहीं गई थी? मजदूरी। और आपने मजदूरी की नहीं कभी? नहीं। अच्छा, तो आपके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं? जी।
ये मामला ग्राम पंचायत भिमाड़ी का है। यहाँ मनरेगा के नाम पे काफ़ी फर्जीवाड़ा चल रहा है, लाखों रुपए का घोटाला भी हो चुका है। मजदूरों के नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं, अन्य नाम मनरेगा के जो पोर्टल पे फीड किए जा रहे हैं वो कहीं मौके पे है नहीं है। एक ही कुंड निर्माण को नाम बदल बदल के 4-5 बार फीड किया जा रहा है। जिन लोगों के नाम से, जिन मजदूरों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है वो मौके पे ही नहीं है। ये जैसा कि अभी एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत पिपाड़ी में एक प्रेग्नेंट महिला जो कि डिलीवरी पीरियड में हॉस्पिटल में एडमिट थी, और एक स्टूडेंट जिनका कि कहीं एग्ज़ाम दे रहे थे, दोनों के नाम जो है मस्टर में लिखे गए हैं और मस्टर में उनको शायद अटेंडेंस बताया गया, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है सामने जो आ रही है प्रथम दृष्टया। और इसमें हमने अपने परियोजना अधिकारी को जांच के लिए कल भेज दिया है। ग्वालियर का जिक्र करेंगे, रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ है, ट्रेन में चढ़ते